इतजाज़ अहसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू इतजाज़ साहब फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। आपने कहा कि जज हुमायूं दिलावर से ज़्यादा तासुब पर मबनी जज आपने कभी नहीं देखा, इस पर ज़रा इसको एक्सप्लेन करेंगे? खैर देखे हैं, ये मैंने ये उस वक्त तो यकीनन मैंने कहा, पर मैंने इस जितने मुतसब जजेस देखे हैं और कराची में सिंध हाई कोर्ट में, सिंध हाई कोर्ट नहीं सिंध ट्रायल कोर्ट में बड़ा देखा है, जब आसिफ जरदारी की जबान काटी गई या उनको पेश किया जाता था तो यकीनन देखे हैं। पर ये मैं हुमायूं दिलावर पे ही आता हूँ, इस जैसे बड़े कम ही देखे। और उसमें ये है कि देखे इसको बताया जाता है, एक तो ये कहा जाता है और ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को भी सोचना चाहिए कि वो इस किस्म का अनासिर किस तरह जुडिशरी में रह सकते हैं। एक उसको कहा जाता है कि तुमने आपने ये की है फेसबुक पोस्ट आपके अकाउंट में है और ये आपका अकाउंट है और इसमें पोस्ट पिछले 5-7 साल से वो मौजूद है, अब वो सुना है कि उसने लॉक भी कर दिया अकाउंट अपना और उसने वो डिलीट भी की है। पर ये वाकया है कि उसने तस्लीम किया ओपन कोर्ट में, ये सब जगह रिकॉर्ड हुआ, वो उन्होंने तहरीर में रिकॉर्ड में नहीं लाए, बट वो सेड कि ये मेरा फेसबुक अकाउंट है, लेकिन मुझे नहीं पता किसने पोस्ट ये जारी किए। पोस्ट क्या है, वो ऐसे कार्टून और ऐसे खाके हैं जिनसे जो जज साहब की जितनी नफरत कभी ही नफरत हो सकती है वो एक मुल्ज़िम के खिलाफ वो है, उनकी अपनी जाती नफरत नजर आती है उनसे और उमट उमट के नजर आती है। इस किस्म के वो भयानक कार्टून या खाके हैं और वो अब उसके बावजूद जब आप में इतनी नफरत है उनके बारे में तो आपको चाहिए, आप देखें मंसूर अली शाह साहब पर्सनल बायस का मामला, पर्सनल कोई और एलिगेशन नहीं, पर्सनल बायस का जाती तासुब का मामला। मंसूर अली शाह साहब को हमने एक दफा आके कहा बैठ के अदालत में बैठे, जिस दिन पहले दिन वो बेंच मिला 7 मेंबर बेंच, तो उन्होंने फरमाया सारी कोर्टरूम में जितने हाजरीन थे जितनी सियासी या जितने फरीकैन थे उनको कहा कि भाई अगर किसी को मेरे पे एतराज है, क्योंकि एक पटिशनर खाजा जो जज साहब थे हमारे जवाब उनसे मेरी रिश्तेदारी है, तो सब ने कहा कि नहीं जी बिल्कुल कोई आप पे एतराज नहीं। 2 दिन हुकूमत देखती रही कि इनका उससे कुछ महसूस हुआ उनको कि इनके सवालों जवाब से कुछ उनको एतमाद नहीं मिला, तो तीसरे दिन आके उनकी जात पे ऑब्जेक्शन कर दी कि आप छोड़े बेंच। उस आदमी उस शख्स ने उन्होंने जो सुना ये उसको, हम तो उनको कहते रहे कि आप इस पे आप बैठे, सबको एतमाद है आप पे और गवर्नमेंट के भी ये आफ्टर थॉट है और मैला फायदी है। तो उन्होंने कहा नहीं जी मेरे पे चूंकि अरब किसी ने एक ने उठा दिया है और मेरे इसमें जानबदारी का उन्होंने इल्जाम ही लगा दिया है तो मैं नहीं बैठता। अब दिलावर कौन सा डैनियल है कि वो डिसेंडेड फ्रॉम द स्काई कि इसमें तसुब नहीं हो सकता जब इसके तसुब के वाजे सबूत इसको पेश किए गए। इतजाज़ साहब अगर कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट जज पर जो इतराज़ात लगाए हैं तहरीक इंसाफ ने वो मुस्तरद कर देती है तो फिर कोई ऑप्शन बाकी है तहरीक इंसाफ के पास या कोई नहीं है? मेरा मुझे तो बहुत हैरत होगी अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसको मुस्तरद कर दिया। इसने इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बहुत हाईएस्ट स्टैंडर्ड सेट करने हैं फॉर द लोअर जुडिशरी और लोअर जुडिशरी के में भी इखलाकी ये होना चाहिए के बायस की अगर इल्जाम लगा हुआ हो कि इनका कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट है या कोई इन पे करप्शन का चार्ज है या कुछ है, वो नहीं, यहाँ बायस कि आप में जाती तसुब है मेरे खिलाफ, मैं मुल्ज़िम खड़ा हूँ, मुझे एतमाद नहीं है आपसे। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसको किस तरह रद्द कर सकती है मुझे तो नहीं समझ आता कोई भी तरीका।
सुप्रीम कोर्ट को भी चाहिए था इसमें इंटरफियर कर जाती, कोई भी मुल्जम हो, ये नहीं मुल्जम अलिफ है, बे है, जीम है, एक मेरा केस हो, मेरा जाती केस हो, मेरे मैं मुल्जम हूँ और मेरे पता हो कि जज ने मेरे बारे में खाके या मेरे बारे में मैसेजेस जो किए हैं वो इतनी मेरे खिलाफ तसुब है कि वो मुझे मतलब है जिंदा ही देखना ही नहीं चाहते, तो उसके बाद मैं मतलब है किस तरह एतमाद कर सकता हूँ कि वो जज साहब मेरा, और जस्टिस हैज टू बी डन, हैज टू बी सीन टू बी डन, नॉट जस्ट डन, हैज टू बी सीन टू बी डन। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट किस तरह इजाजत दे सकता है? और दूसरी मैं एक और बात रख कर, एक सेक्शन है आर्टिकल 193 आईन में, सॉरी जाब्ता फौजदारी में, जाब्ता फौजदारी में वो बाकायदा कहता है कि कोई सेशन जज ऐसा मुकदमा नहीं लेगा जो कि उसको मैजिस्ट्रेट ने रिफर ना किया हो। यहाँ ये मैजिस्ट्रेट ने रिफर नहीं किया, ये कंप्लेंट फाइल की है सीधी इलेक्शन कमीशन ने। इलेक्शन कमीशन को भी कवानीन का कुछ इलम होना चाहिए, लेकिन वो भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब भी बहुत जिम्मेदार हैं, जो क्राइसिस पाकिस्तान को आ रहा है कि इलेक्शन पहले होंगे कि आइन की तरमीम पहले होगी, आइन की तरमीम की जरूरत है सेंसस के बाद को पे नए सेंसस पे इलेक्शन कराने की, लेकिन आइन में तरमीम नहीं हो सकती क्योंकि असेंबली अब 12 तारीख को डिजॉल्व हो रही है और असेंबली में 228 एमएलए ही नहीं है, उसके बाद असेंबली नहीं होगी तो आइन में तरमीम ही नहीं हो सकती, अगर तरमीम नहीं होती तो इलेक्शन नए सेंसस से हो ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकते क्योंकि सीटें भी एडजस्ट होनी है। और ये सारा वजह है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अपने इख्तियार जो उसके मातहत हैं सारे के सारे अफसरान और सारी हुकूमतें सब उसके मातहत हैं, जब इलेक्शन शुरू हो जाए तो उन्होंने ना इलेक्शन कराए पंजाब में ना खैबर पख्तूनख्वा में, अब वो दो असेंबलियां नहीं तो सदर का भी इलेक्शन नहीं हो सकता क्योंकि सदर का इलेक्टोरल कॉलेज 4 असेंबलियां और 2 पार्लियामेंट के दीवान है, सेनेट और नेशनल असेंबली, वो भी नहीं हो सकते ना। संसद ऐसा फंसा दिया है, उनको चाहिए था जिस दिन फाइनेंस मिनिस्टर ने ये किया है इनकार किया है 20 अरब देने का, उसी दिन फाइनेंस मिनिस्टर को ये कंटेम्प्ट नोटिस जारी करते, कंटेम्प्ट नोटिस उसका करना था ना, उसको करना था डिफेंस मिनिस्टर को कि फौज दो जब मैं जब मांगता हूँ, इंटीरियर मिनिस्टर को कि रेंजर्स दो जब मैं मांगता हूँ, यू हैव टू एक्ट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, एवरी अथॉरिटी इन द प्रोविंस एंड द फेडरेशन हैज टू ओबे हिम जब इलेक्शन हो रहे हो, ही बिकम्स द वन डिक्टेटर और ही इज नॉट एक्सरसाइज, ये 90 दिन से ज्यादा ही इज टॉलरेटिंग द केस टेकर जो 90 दिन के आगे जा ही नहीं सकते कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, सो तोशाखाना केस ट्रायल का मामला सुप्रीम कोर्ट में भी जेरे समात है, क्या किसी केस के फैसले से कबल आला अदलिया से उस पर हुक्म इम्तनाई लिया जा सकता है? देखिए, आला अदलिया ने सुप्रीम कोर्ट ने पहले दिन जो ऑब्जर्वेशन दी है, जो उन्होंने ऑर्डर नहीं पास किया पर ऑब्जर्वेशन जो दी है वो प्रेस में सारे में छपी है, वो उन्होंने कहा है कि जब तक हमारे पास ये पेंडिंग है, ये उन्होंने वकील को कहा जो पिटिशन लेके गए थे उनको कहा जनाब जब तक हमारे पास ये पेंडिंग है आप जानते नहीं कानून को, कि कानून के तहत और वो फाइनल फैसला कर ही नहीं सकता, ट्रांसफर एप्लीकेशन है हमारे पास पेंडिंग है, ट्रांसफर एप्लीकेशन किसी सुपीरियर कोर्ट में या उस दर्जा उससे सुपीरियर, यानी ये नहीं कि सिर्फ हाई कोर्ट या ये सुप्रीम कोर्ट पर सेशन जज के रूबरू पेश हो जाए किसी मैजिस्ट्रेट या सिविल जज से ट्रांसफर की, तो उसको जब पता लग जाए कि ट्रांसफर एप्लीकेशन मूव हो गई है वो फाइनल फैसला कर ही नहीं सकता। ये याया अफरीदी साहब ने ओपन कोर्ट में एक्सप्लेन किया वकला को, पर ये हुमायूं दिलावर लगता है कि कर जाएगा, ये जज साहब कर जाएगा। जी अगर अगर इस केस में ट्रायल कोर्ट कोई सजा सुना देती है तो क्या मैक्सिमम क्या हो सकती है सजा, मिनिमम क्या हो सकती है, और इस सजा के बाद क्या सबरा तरीके इंसाफ फिर नाहल हो जाएंगे इलेक्शन लड़ने के लिए? मुझे जो बताया जा रहा है, मैंने वो गौर से ये जो करती है इलेक्शन कमीशन जो कंप्लेंट करती है वो पहले तो मैजिस्ट्रेट के पास जानी चाहिए,
मैजिस्ट्रेट उसको एग्जामिन करे और हाँ। समझे कि ये बार बार है तो फिर वो जानी चाहिए अदालत में, सेशंस कोर्ट में। और इसमें कुछ 3 साल शायद कैद की सजा है और 5 साल की नायली है। और अगर ये हो जाती है तो सजा एक दफा तो वो गिरफ्तार कर लेंगे तो करना पड़ेगा वहीं अदालत में। और दूसरा ये है कि नाअहली होगी तो वो इलेक्शन गुजार देगी। पर मैं एक और आपको बात बता दूं, एक और फंडामेंटल प्रिंसिपल है बहुत, कि पहली जब अपील होती है ना, फर्स्ट अपील अंडर ए स्टैट्यूट, फर्स्ट अपील, उसके लिए जरूरी है अल्लाह सजाए मौत मिली भी हो, सजाए मौत मिली भी हो, वहां भी उसको भी रोक देते हैं कि सजाए मौत आप इस पे एक्सिक्यूट नहीं कर सकते। बट ज्यादातर 7 साल से कम, 7 साल एक प्रोहिबिटिव डिग्री है, 7 साल से कम सजा हो इसमें 3 हो सकती है। तो ऑपरेशन ऑफ द जजमेंट ऑफ द लोअर ट्राइब्यूनल इज सस्पेंडेड। ये इनको समझ नहीं आ रही, ये वकला जो वो तारर साहब बताउल्लाह तारर साहब ही आ जाते हैं, वही अपनी दानिश के मुताबिक जो फरमाते हैं तो फरमाते हैं और बड़े खास मतलब है माहिर ज़बान है माशाल्लाह यंग मैन। बट वो उनको ये नहीं समझ आती कि अगर ये सजा भी हुई तो 2 दिन बाद 3 दिन बाद ये सस्पेंड हो जाएगी, क्योंकि इसलिए कि फर्स्ट अपील, 1 अपील एटलीस्ट एज ऑफ राइट, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील जाए तो वो शायद सस्पेंड ना करें। अगर 2 अदालतों ने नीचे मुल्जिम के खिलाफ कर दिया हो के तो फिर वो नहीं मुअत्तल नहीं करते सजा को अक्सर। बट द रूल ऑफ द थंब है कि अगर 7 साल से कम हो और पहली अपील हो, पहली दफा एक जज को सुपीरियर कोर्ट को मुल्जिम कह रहा है जी कि आपके मातहत जज की जजमेंट गलत है, सो बेनिफिट ऑफ डाउट एट अपील स्टेज भी मिलता है, फर्स्ट अपील स्टेज बेनिफिट ऑफ डाउट गोज टू द अक्यूज्ड, सो वो निकल आएगा बाहर और सस्पेंड हो जाएगी जो सस्पेंड हो जाएगा सेंटेंस, डिस्क्वालिफिकेशन का भी सस्पेंड हो जाएगा और ये जो है आपका उनका कैद का वो भी सस्पेंड हो जाएगा। अब ये वाकया है, ये कानून है, ये से पता नहीं कोई किसी को अपने इदारों के सरबराहों को सुना बताता क्यों नहीं कि जी कानून ये है, आपको कुछ सब्र करना पड़ेगा इस मामले में, इन मामलात में, क्योंकि आईन और कानून ये कहता है और अदालतें अपने इख्तियारात से दस्तबरदार होने को तैयार नहीं है। जो इख्तियारात उन्हें और जो ताकत उन्हें वकला की एक मूवमेंट से मिली है, और वकला अगर जजेस थोड़ी सी अपनी स्पाइन दिखाएं तो वकला सारे फिर आ जाएंगे। राइट सो एक साथ ब्रेकिंग स्टोरी भी है इस वक्त, जो ब्रेकिंग न्यूज़ है ये कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने 9 अगस्त को असेंबलियाँ तहरीर करने का ऐलान कर दिया है। यह अभी ब्रेकिंग न्यूज़ है, इसकी हम डिटेल्स आपको बताते हैं। लास्ट क्वेश्चन टू यू इत्तेज़ाज़ साहब, नई मरदमशुमारी पे आपने अभी अपना मौकफ दे दिया है, लेकिन फ़र्ज करें CCI नई मरदमशुमारी की मंजूरी दे देती है, एक्चुअली इट्स डिबेटेबल क्योंकि उसमें भी बहुत सारे लकूनाज हैं, बट लेट्स से वो दे देती है तो क्या आइन के मुताबिक नई मरदमशुमारी पर इलेक्शन के लिए फिर कानून साजी की भी ज़रूरत है? कानून साजी की भी होगी और आइन में तरमीम की बहुत ज़रूरत होगी। उसकी मैं वजह बताता हूँ। सुना है कि मरदमशुमारी की बायस ये शुनीद है पर बहरहाल बढ़ेंगी, कुछ बलूचिस्तान की कुछ सीटें 10 सीटें MNAs बढ़ रहे हैं, वो पंजाब के कम होंगे, सिंध रूरल के कम बनाएंगे, ये सुना है। अच्छा, वो क्योंकि बलूचिस्तान की बड़ी वायबल और मेलियबल और फ्लेक्सिबल सीटें और रिप्रेजेंटेशन होती है, वहाँ मैनिपुलेशन ज्यादा, तो उनको बढ़ा रहे हैं, तो वो अगर बढ़ाने ही हैं तो आइन में तो जितनी लिखी हुई है वो 45-65 के कितनी वो लिखी हुई है आइन में। अब नई मरदमशुमारी के बायस के जरिए की वजह से उसमें तरमीम आइन में होगी, फिर नई हल्का बंदियां होगी क्योंकि सारे हल्के बदल जाएंगे। अब उसके बाद हल्का बंदी भी होगी, पर नई मरदमशुमारी के, नई मरदमशुमारी को अमल में लाने के लिए आइन में तरमीम जरूरी होगी। आइन में तरमीम हो नहीं सकती 9 तारीख के बाद तो ये असेंबली ही नहीं होगी, और ये इस असेंबली में भी नहीं हो सकती कि इनके पास 228 MNAs ही नहीं है, टोटल MNAs नहीं है,
वो 190 के कितने हैं। ठीक, तो इन उलझनों में डाल दिया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनके हवारियों ने। कुछ गुजरा है इसमें, कार आमद रहे हैं, इंटीरियर मिनिस्टर, सारे लॉ एंड ऑर्डर को देखना है, जी के है लॉ मिनिस्टर एंड डिफेंस मिनिस्टर, और फिर प्राइम मिनिस्टर साहब खुद कहते हैं कि मैं मर्दमशुमारी, नई मर्दमशुमारी पे कराऊंगा इलेक्शन। नई मर्दमशुमारी पे कराएंगे तो पहले आइन को तरमीम करेंगे, और आइन के तरमीम करने के आपको आपने आपकी अहलियत नहीं है आपकी इस असेंबली की, और आइंदा असेंबली नहीं होगी तो आइन में कितना तरमीम हो सकती है। राइट।